बिंदु बिंदु आत्मा
के तीन उठारी करता है, परंतु कोई भी कार्य तो तब होगा जब शरीर होगा। शिव ज्योति बिंदु को तो अपना शरीर है ही नहीं, तो कैसे कार्य करता है, कैसे नई सृष्टि की स्थापना करता है, कैसे पुरानी दुर्गुणों वाली तमो प्रधान दुनिया का, कलयुगी दुनिया का विनाश करता है। गीता में एक शब्द आया है प्रवेष्टुम, जैसे आत्मा मनुष्य आत्मा जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो कोई में प्रवेश कर लेती है, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, तो जब भूत प्रेत आत्मा प्रवेश करती है तो क्या मैं नहीं प्रवेश कर सकता, मैं भी प्रवेश करता हूं, परंतु ऐसे नहीं है। कि मैं कण कण जैसा पाठ बजाने वाली सामान्य आत्माओं में प्रवेश कर जाता हूं, ये मनुष्य शक्ति एक रंगमंच है, इस रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, मैं उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, प्रवेश करके ये ज्ञान देता हूं कि मैं ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करता हूं। पहले पुरानी सूत्रों की सृष्टि को ब्राह्मण बनाता हूं, नंबर बार ब्राह्मण तैयार होते हैं, 9 पुरियों के ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को फिर पढ़ाई पढ़ा करके देवता बनाता हूं। ब्राह्मणों को कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा शिव के महावाक्यों को ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी पर ध्यान देते हैं, सेकेंड क्लास कोई थर्ड क्लास कोई फेल हो जाते हैं, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा
इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण सृष्टि की रचना करते हैं। उन ब्राह्मणों में सब एक जैसे ब्राह्मण नहीं होते, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी हुए हैं अत्याचारी, क्योंकि ब्राह्मण एक से एक ऊंची कुरी के भी होते और नीची कुरियों के भी ब्राह्मण होते। कोई ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो कहते हैं सो करते हैं, कहते भी हैं करते भी हैं और दूसरों से कराते भी हैं। उनकी कथनी और करनी एक होती है। कोई ऐसे हैं जो ईश्वरीय ज्ञान को सुनते तो बहुत है परंतु खुद धारण नहीं करते, जो खुद धारण नहीं करते वो दूसरों को भी धारण नहीं करा सकते। थर्ड क्लास के ब्राह्मण भी होते हैं, जैसे रावण को प्रकांड विद्वान माना जाता है, बहुत ज्ञानी था परंतु धारणा में कर्म कैसे थे, निष्कष्ट कर्म करने वाला, विविचार पर दृष्टि डालने वाला था। ऐसे जो निष्कष्ट कोटि के ब्राह्मण होते हैं वो फिर अव्वल नंबर की पूरी के ब्राह्मण कैसे कहे जाएंगे। ऐसे नंबर वार निष्कष्ट गुरुओं के ब्राह्मण नंबर वार नीच धर्मों में जाकर के गिरते हैं। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है द्वापर युग से, कोई इब्राहिम के इस्लाम धर्म में गिरते हैं, कोई बुद्ध के बौद्ध धर्म में जाकर के गिरते हैं, हे सनातन धर्म के, परंतु ईश्वरीय पढ़ाई ठीक से न पढ़ने के कारण अधूरापन रह जाता है। वो कमी उनको दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कराई देती। कोई क्रिश्चियन धर्म में गिरते हैं, कोई मुस्लिम धर्म में गिरते हैं मोहम्मद के आने के बाद। हम सब जानते हैं कि भारतवासी दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। पक्के जो होते हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं होते। कन्वर्ट होते होते भारतवासी सनातन धर्म वालों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि सनातन धर्म की आत्माएं ब्रह्मचर्य को विशेष मानने वाली होती है, पवित्रता को महत्व देने वाली होती है। विदेशी धर्म लेफ्टिस्ट वाम मार्ग में ले जाते हैं और वाम मार्ग में सृष्टि की आत्माओं को गिराते हैं। व्यभिचारी बनते हैं, व्यभिचारी बनाते हैं, तो ढेर की ढेर सृष्टि पैदा करते हैं। जानवरों में सुअर कितने बच्चा पैदा करता है, कुत्ता कितने बच्चा पैदा करता है, ऐसे मनुष्यों में भी कोई जानवर बनने की बात नहीं है, जानवर जैसे कर्म करने वाले मनुष्य बन पड़ते हैं। चाहे वो इस्लाम
इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, कितनी कितनी शादियां करते हैं, कितने तलाक देते हैं, डाइवोर्स देते हैं, भला कितना दिनों को दुख होता हुआ। ऐसे ऐसे दुखदायी धर्मों में जाकर के ऐसी आत्माएं गिरती है जो ईश्वर के आने पर ईश्वर की पढ़ाई नहीं पढ़ती। ईश्वर जो नर अर्जुन जैसों को नारायण जैसा देवता बनाने वाला है, भगवान आता ही है इस शक्ति पर मनुष्य को देवता बनाने के लिए। ये कार्य दुनिया के कितने भी धर्म पिताएं ऊंचे से ऊंचे हुए हो, ग्रेट फादर्स कहलाने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। तो एक भगवान परम पिता परमात्मा शिव ही है जो आकर के ऐसी आत्मिक पढ़ाई पढ़ाता है कि मनुष्य आत्माएं एक ही जन्म में नर से नारायण जैसी बन जाती है। देवता भी कैसा, ऐसा देवता बनाता है जिसकी शास्त्र में कोई ग्लानि नहीं। 33 करोड़ देवताओं की शास्त्र में ग्लानि है, परंतु नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। इसलिए लक्ष्मी नारायण की याद में भारतवर्ष में कितने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। नरनारायण का कितना ज्ञान है, मान है, कितनी शान है। तो भगवान शिव आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण सो देवता बनाते, परंतु ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण ही बनते हैं। नंबरवार कुरियों में जन्म लेने वाले, धारणा करने वाले, फिर उन ब्राह्मणों को देवता भी बनाना होता है। देवता कौन बनाएगा? ब्रह्मा द्वारा तो ब्राह्मण बनते हैं। तो देवता बनाने के लिए श्रेष्ठ देवता ही चाहिए। यह नंबरवार देवता ही देवता बना सकेंगे। इसलिए भारतीय परंपरा में ये गायन है, कहते हैं ऊंचे ऊंचे देवता, देव देव महादेव, ये दूसरी मूर्ति है जिसमें वो निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं। जरूर कोई ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होगा। इसलिए शंकर को भी जनेऊ दिखाते हैं। उनके चित्र में देखा होगा, तीन धागों वाला यज्ञोपवीत कंधे पर पड़ा हुआ है और वो चोटी के देवता हैं, चोटी के ब्राह्मण बनने वाले, छोटे मोटे देवता नहीं है। ज्ञान के हिसाब से दिखाया जाता है। त्रिनेत्री कहा जाता है। ये तीसरा नेत्र
जो उनमें भ्रकुटी के मध्य में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उनकी ऊंची पढ़ाई के आधार पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्टूडेंट बनने के आधार पर उन्हें विश्व की बादशाही देता है। इसलिए आज भी गायन है, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये योग बल के आधार पर अपन को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा शिव को याद करने वाला जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है, श्रेष्ठतम ब्राह्मण, वही शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है। एक ही देवता है सारी सृष्टि में, 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। जैसे शिव सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला है, मन को जैसे कि सदैव कंट्रोल किया हुआ है, उनका मन कभी चलायमान नहीं होता, ऐसे ही शंकर के नाम से संसार में सब प्रत्यक्ष होता है, उसका मन भी पढ़ाई पूरी होने के बाद, फाइनल परीक्षाओं से गुजरने के बाद कभी भी चलायमान नहीं होता इस जन्म में। शिव समान स्टेज को प्राप्त कर लेता है और दूसरी आत्माएं मन को कंट्रोल करने में नंबर वार रहती है, इसलिए उनका नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। क्या काम करते हैं? परंतु शंकर के द्वारा क्या काम करते हैं जो दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र, 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता मात्र नहीं कर सके। आज से 2500 वर्ष की सृष्टि की हिस्ट्री मिल रही है, हिस्ट्री में बड़े बड़े धर्म पिताएं दिग्गज आए और दुनिया के बड़े बड़े धर्म फैलाए, उनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स। क्राइस्ट के समय 150 करोड़ से भी ऊपर फॉलोअर्स है। इब्राहिम के भी कोई कम नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने लंबे समय तक इस्लामियों ने शासन किया है सारी दुनिया के बीच, उतना और किसी धर्म वाले ने लंबे समय तक शासन नहीं किया। एक क्रिश्चियंस का शासन तो अभी 200-250 वर्ष के अंदर हुआ और दोनों ही के फॉलोअर्स की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही, परंतु उन लोगों ने अपने धर्म का स्थापना का कार्य किया, परंतु उन धर्मों में जो पुरानी परंपराएं फैलती चली गई, रूढ़िवादी परंपराएं, अंधश्रद्धा फैलाने वाली परंपराएं,
उन परंपराओं का विनाश नहीं किया, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, परंतु उन धर्मों में जो तामसी वृत्ति फैल गई, धर्म के नाम पर सब आज अधर्म बने पड़े हैं, उन अधर्मियों का विनाश किसी ने नहीं किया। जैसा गीता में लिखा हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय, सब धर्म की मैं आकर के स्थापना करता हूं, और जो असत धर्म है, अधर्मी है, विधर्मी है, धर्म कोई नहीं मानने वाले, उन सब का मैं विनाश कर देता हूं। ये काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सका, ये कार्य शंकर के द्वारा संपन्न हुआ है। जब सृष्टि कलयुग के अंत में पूरी तमो प्रधान बन जाती है, उस तमो प्रधान राक्षसी सृष्टि का परम पिता परमात्मा शिव शंकर के द्वारा विनाश करा देते, इसलिए शंकर के नाम लेने के साथ ही साथ क्या बोलते हैं, हर हर बम बम। बम शब्द का भी उच्चारण करते हैं। जब सारी दुनिया का बमों से विनाश होगा, बड़े बड़े एटम बम बना के रखे हुए हैं उन इस्लामियों ने, क्रिश्चियंस ने, उनका जब विस्फोट होगा तो पृथ्वी डोल जाएगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, और वो भूकंप इतने गहरे आएंगे, विशाल रूप में आएंगे, कि जो दुनिया में कई कई मार की, कई कई मंजिल की अट्टालिकाएं बन रही है, सौ सौ मार से भी ऊंचे मकान बन रहे हैं, और हजारों की तादाद में उन मल्टी बिल्डिंग्स में लोग रहे पड़े, बड़े बड़े शहरों वो सारी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएंगे। दुनिया का बड़े से बड़ा मौत होगा भूकंप के आधार पर। इसलिए शंकर के नाम के साथ बम बम शब्द भी यूज किया जाता है। वो बम बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जिनको प्रेरणा देने वाला स्वयं शंकर पाठधारी है, बुद्धियों की पावर से उनकी बुद्धि को घुमाएगा। वैज्ञानिकों में इतनी ताकत नहीं है जो अपनी ही बनाई हुई रचना का विस्फोट कर सके। तो उनमें जो परिपक्व आत्माएं हैं, जब चाहे शरीर को छोड़ें और जब चाहे अपने शरीर को ग्रहण करें, ऐसे शंकर और शंकर के फॉलोअर्स, महारुद्र और रुद्र के फॉलोअर्स रुद्रगण, और उनकी सारी जमात उन वैज्ञानिकों में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमाएगी और दुनिया का विनाश हो जाएगा। परंतु ये कार्य तब तक रुका हुआ है जब तक दिव्य गुणों की
शिवपुरी के, वो दिव्य गुणों की स्थापना अपने अंदर पूरी धारण नहीं कर लेते, जिसकी परीक्षा भी होती है, जो परीक्षा में पास होते हैं वो 84 के चक्र में जो पहला चक्र है, पहला जन्म, नारायण के राज्य में आने वालों का, ऐसी आत्माएं सृष्टि पर जो प्रकृति माता है उस प्रकृति माता के संरक्षण में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी खुद की प्रकृति, खुद का स्वभाव सुधर जाता है। जिनके स्वभाव संस्कार और प्रकृति सुधरती नहीं, प्रकृति उनको संरक्षण देती नहीं, प्रकृति परमपिता परमात्मा की प्रकृष्ट रचना है। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है, इसलिए मुसलमानों के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब विनाश बरपा होगा तो जो भगवान के बंदे होंगे वो बड़े सुखी रहेंगे। भगवान की जो कुदरत है वो कुदरती उनको बहुत सुख में रखेगी, और जो भगवान का, भगवान की दी हुई ज्ञान का तिरस्कार करने वाले हैं उनके ऊपर कहर ढाए जाएंगे। विपत्तियों का सामना करते करते आखिर सारी दुनिया खा हो जाने वाली, और नई दुनिया की स्थापना होगी, उसमें बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। दुनिया में नौ ही ऐसे धर्म हैं हुए। अव्वल नंबर पुराने से पुराना धर्म तो सनातन धर्म ही था, जो भगवान शिव ने ब्रह्मा के द्वारा जिसका ज्ञान दिया, चार मानसी पुत्र हुए, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, उनमें भी जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ पुत्र था ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, उनका टाइटल ही है योगीश्वर सनत कुमार, योगियों के ईश्वर। ईश्वर कोई दो चार नहीं होते हैं, वास्तव में शंकर का ही दूसरा नाम योगीश्वर सनत कुमार हुआ। उन सनत कुमार के द्वारा जो धर्म की स्थापना हुई उसका नाम सनातन धर्म पड़ा। जैसे और धर्म भी है, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, धर्म पिता के आधार पर धर्म का नाम पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्मा का जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ पुत्र हुआ, अति श्रेष्ठ ब्राह्मण, के द्वारा जो ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, और वो ब्राह्मण नंबर वार सो ब्राह्मण
ब्राह्मण देवता बने, आज भी ब्राह्मणों की पूजा की जाती है। अगर ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कर्म न होते तो उनकी पूजा कैसे होती? ब्राह्मण तो रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, मेघनाथ भी था, उसकी पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ब्राह्मण तो बने परंतु पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण नीची कुली के ब्राह्मण बने। ब्राह्मण सो देवता सोलह कला संपूर्ण नहीं बने। अभी दो मूर्तियों की बात तो सामने आ गई, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा जो आसुरी ब्राह्मणों की सृष्टि है उसका पहले विनाश होता है, उसके बाद दुनिया में जो और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं भारतवासी, जो पहले ब्रह्मा की संतान थे कभी, 84 के चक्र से पूर्व जब नई सृष्टि की स्थापना हुई थी, अभी कन्वर्ट हुए पड़े, उनका भी नंबर लगता है। परंतु वो जिस नंबर की पढ़ाई के पढ़ने के हकदार बनते हैं उसी नंबर की प्राप्ति करते हैं। तो पहली मूर्ति ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर, जिनके द्वारा आसुर शक्ति का विनाश का कार्य संपन्न हो जाता है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सृष्टि रह जाती है, जो ब्राह्मण सो पक्के सोलह कला संपूर्ण देवता बनने वाले हैं, जिनकी दुनिया में तादाद बहुत कम हो जाती है। कितनी तादाद रह जाती है? 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए, परंतु वो 9 लाख सितारे आसमान के जड़ सितारे हैं और इस दुनिया में 500-700 करोड़ की मनुष्य शक्ति के बीच 9 लाख आत्मा रूपी सितारे ऐसे हैं जो चैतन्य सितारे हैं। जब दुनिया में विनाश बरपा होता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, तब वो सितारे सारी शक्ति पर ज्ञान की चमक फैलाते, ज्ञान की रोशनी फैलाते। ये 84 जन्मों के चक्र में से पहले जन्म के चक्र में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। सतयुग को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, त्रेता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है, द्वापर को द्वैतवादी युग होने के कारण 8 कला संपूर्ण, वो भी शुरुआत। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं और कलयुग अंत में कलाहीनता आ जाती है, आत्मा की सारी शक्ति खलास हो जाती है। ये बिंदु बिंदु आत्माएं भी एक प्रकार से बैटरी है, आत्मा रूपी बैटरी जो चार्ज होती है। कब? जो जनरेटर है परमपिता परमात्मा शिव, वो इस सृष्टि पर जब आता है तो सहज ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा इन आत्माओं की बैटरी को चार्ज करता है। कोई आत्मा 16 कला संपूर्ण बनती है, वो सतयुग के आज से ही जन्म लेना शुरू करती, पूरा ही 84 का चक्र लगाने की निमित्त बन पड़ती है।
प्रसिद्ध है। कथा आती है रानी के गले में नौ लखा हार। वो ऐसी कौन सी रानी है, वो तो स्थूल हार समझ लेते। वास्तव में ऊंचे से ऊंची रानी कहो महारानी कहो वो लक्ष्मी है, नारायण की रानी, जो नौ लाख आत्मा रूपी चैतन्य सितारों के गले का हार पहन के रखती और सबकी पालना करती है। पर पहले जन्म में की है ऐसी पालना दुनिया में कोई भी राजा नहीं कर सका। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पालना है ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूपी ही महानारायण या महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, जिनको चार भुजाएं दी जाती है। नहीं तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है जो चार भुजाओं वाला हो। भुजा माने मददगार। और लक्ष्मी नारायण के राज्य में वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं ऐसी मददगार बनती हैं, राज्य अधिकारी के रूप में, जो ब्रह्मा की हजार भुजाएं गाई हुई है। वो हजार भुजाएं रूपी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, वो देव आत्माएं सत्युग के आदि में 84 के चक्र के पहले जन्म में नारायण के नंबर वार राज्याधिकारी बनते हैं। और ऐसे राज्याधिकारी बनते हैं जो सारा राज्य संपूर्ण सुखी हो जाता है, सारे राज्य में सारी प्रजा की ऐसी मेंटलिटी हो जाती है कि ये नारायण हमारा राजा नहीं है, ये हमारा बाप है। जैसे परिवार में बाप होता है और बच्चे भी होते हैं, अगर बाप की दुकान हो तो सिर्फ बाप ही कहता है कि मेरी दुकान, मेरा धंधा, मेरा कारखाना, कि बच्चे भी यही कहते हैं मेरा कारखाना, मेरी दुकान। तो जो नौ लाख प्रजा है वो ऐसे अनुभव करती है ये मेरा राज्य, ये अकेले नारायण का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? मेरा राज्य, मेरा और मेरा राज्य। आज के राजाओं में जो सिंहासनों पर बैठे हुए हैं कितने स्वार्थी हैं, और 84 जन्मों के पहले का नारायण वो कितना स्थिति में स्थित रहने वाला परमार्थी आत्मा। ऐसे राज्य की परमपिता परमात्मा शिव आकर के अभी स्थापना कर रहे। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य विष्णु का राज्य कहा जाता है, इसलिए विष्णु की पालना गाई हुई है। विष्णु कोई ऐसा चार भुजाओं वाला देवता होता नहीं है। ये स्थूल भुजाओं की बात नहीं है, चार मददगार आत्माएं ऐसी तैयार होती है ईश्वरीय ज्ञान लेकर के, जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते।
प्रसिद्ध आत्मा कृष्ण है और शंकर के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो अपने भारत की प्रसिद्ध आत्मा राम है। राम और कृष्ण और इनकी सहयोगिनी शक्तियां राधा और सीता, इन चारों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, खीर खंड हो जाते हैं। आज के पति पत्नियों में कितना झगड़ा होता है, कितना संस्कारों का टकराव होता है, क्यों होता है? हैं तो भारतवासी, फिर भी टकराव क्यों होता है? इसलिए होता है कि 2500 वर्ष के इस द्वैतवादी युगों में जो शासनकर्ताएं हुए हैं, जो धर्म नेताएं हुए हैं, धर्म पिताएं हुए हैं, उन्होंने द्वैतवादी धर्म फैलाए, उन धर्मियों के विधर्मियों के संग के रंग में आते आते भारतवासियों ने उनकी विपरीत संस्कृति को अपना लिया। आज भी भारत के लोग विदेशों को और विदेशी संस्कृति को कितना अपनाते चले जा रहे हैं। मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है। कहां आज के स्त्री पुरुषों की मेंटलिटी, युगलों की मेंटलिटी, और कहां लक्ष्मी नारायण जैसे जो युगल 9 लाख तैयार होंगे, 4.5 लाख युगल, उनकी मेंटलिटी, आत्मिक स्थिति वाले, देवान का नाम निशान नहीं, दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो ये तीन देवताएं हैं जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा शिव इन तीन मूर्तियों से नई शक्ति की स्थापना, पुरानी शक्ति का विनाश और नई दुनिया की पालना का कार्य संपन्न कराते हैं। ये कार्य भी संपन्न हो रहा है जिसकी यादगार में आज भी भारतवर्ष में झंडारोहण जब करते हैं तो गीत गाते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे। अरे स्थूल कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा? एक तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है ये शरीर ही वस्त्र है तो बुद्धि में नहीं आता कि कोई शरीर रूपी तीन वस्त्र हुए हैं, विष्णु शंकर, जिनके सम्मिलित प्रयास से सारे विश्व में ये ईश्वरीय झंडा लहराया गया। भगवान परमपिता परमात्मा शिव इन तीन शरीर रूपी वस्त्रों को संसार प्रत्यक्ष करने आए। शिव तो अप्रत्यक्ष है, अव्यक्त है, सदैव ही ज्योतिबिंदु है, सदा शिव कहा जाता है, परंतु वो किनके द्वारा व्यक्त होता है? त्रिमूर्ति के द्वारा। ये तीन मूर्तियां अभी संसार में प्रैक्टिकल में चैतन्य में कार्य कर रही है, परंतु ज्ञान के तीसरे नेत्र से इनको पहचानने की बात है। जिनमें जितना ज्ञान की गहराई होगी वो उतना बाप के इन तीनों स्वरूप को पहचान करके उनके सहयोगी बन सकेंगे।
राज्याधिकारी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि एक भगवान शिव ही है जो राजयोग आकर के सिखाता है। सहज ज्ञान और सहज राजयोग के आधार पर जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त कराता है। नहीं तो दुनिया में ऐसे कोई कॉलेज स्कूल नहीं है जहां पढ़ाई पढ़ा करके राजा बनाते हो। ये एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है जहां राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके मनुष्यात्माओं को ऐसा स्वाधीन बनाया जाता है कि राजाओं की तरह स्वाधीन बन जाते हैं। राजा कभी किसी के अधीन नहीं होता है। और जो धर्म वाले और धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने तो सारी सृष्टि को अधीन बना के रख दिया। न स्वस्थिति में रहने वाले हैं और न दूसरों को स्वस्थिति का पाठ पढ़ाने वाले। स्वरूप है, कभी भी शरीर के बंधन में नहीं आता। वो ही आकर के स्वाधीनता का पाठ स्वस्थिति के द्वारा सिखाता है। अभी जो सीखेंगे वो जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करेंगे। एक जन्म की राजाई नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई के संस्कार भर जाते हैं आत्मा। नहीं तो भारतवर्ष में 100-150-200 वर्ष से क्रिश्चियंस का शासन चला और क्रिश्चियंस ने क्या पढ़ाई पढ़ाई, ऐसी डागली पढ़ाई पढ़ाई कि ये पढ़ाई पढ़ो तो हम तुमको नौकर बना देंगे, ऊंचे से ऊंची नौकरी दिलवा देंगे, मन आधीन बना दे। दुनिया के हर मनुष्य जिनको अपनी देह होती है, देह रूपी रथ होता है, वो सब स्वार्थी होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, रथ रूपी शरीर जिनको जिनको है वो सब स्वार्थी है। और जो खुद स्वार्थी होगा वो दूसरों को स्वार्थी बनाएगा या परमार्थी बनाएगा? स्वार्थी बनाएगा। एक परमपिता परमात्मा ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उसका अपना रथ नहीं है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं है। वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि हे भारतवासियों, तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। ये विश्व कल्याणकारी की वृत्ति जो परमात्मा बाप ने आकर के पढ़ाई थी वो वृत्ति आज भी भारत में चल रही है। कैसे? दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसने दूसरे धर्म वालों को आत्मसात करके अपने देश में रखा हो। एक भारत ही ऐसा है कि क्रिश्चियंस आए तो क्रिश्चियंस को अपना भाई बंधु बना करके देश में रख लिया, मुसलमान आए लुटेरे बनकर के भले आए उन मुसलमानों को भी आत्मसात कर लिया। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। ये भारत माता मातृ देश है। माता की गोद में चाहे लुच्चा लफंगा चोर डकैत कैसा भी बच्चा क्यों हो, को अपनी गोद में छुपा के रखती है। और देशों को मातृ प्रधान देश नहीं कहेंगे, भारत ही मातृ प्रधान देश है।
है। धारणा शक्ति प्योरिटी की पवित्रता की भारत की माताओं में होती है या विदेश की कन्या माताओं में होती है? वो तो एक खसम छोड़ करके दूसरा बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। भारत में ये परंपरा है कि जीवन में एक पति बनाया तो फिर जीवन में कोई दूसरा पति नहीं बनाएगी। पवित्रता को बहुत ऊंचा समझते हैं। ये भारत माताओं की बुद्ध रूपी धरणी ऐसी श्रेष्ठ धरणी है जिसमें भगवान बाप आकर के ये ज्ञान का बीज आरोपण करते हैं। वो माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट का उद्घाटन करते हैं, स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं। ये माताओं का कार्य है, इसलिए माता गुरु भी गाया हुआ है। माता गुरु बगैर उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन कौन सी माता है जो ईश्वरी ज्ञान लेके पवित्रता को जीवन में धारण करती है? वो माताएं नहीं जो ज्ञान भी लेती जाती है और नरक का दरवाजा भी खोल करके बैठ जाती है। नारी नरक का द्वार ये मनुष्य गुरु कहते हैं, भगवान के ये वाक्य नहीं है कि नारी नरक का द्वार है। नारियों को तो भगवान आते हैं तो स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनाते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में शास्त्रों में भी ये गायन है कि जब नाम लेते हैं युगलों का तो पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। क्यों? पहले राधा फिर कृष्ण। क्यों? क्योंकि पवित्रता की धारणा पुरुष प्रकृति नहीं कर पाता है। कन्या माता है पवित्रता की धारणा जल्दी धारण कर लेती है। बहुत दुखी भी वही है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि धरणी का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। जब धरणी पर पापों का बोझ बहुत बढ़ जाता है तो धरणी माता का आकर उद्धार करती। बाकी कोई स्थूल धरणी की बात नहीं है। भारत माता कहा जाता है तो क्या धरणी को माता कहा जाता है? नहीं। कोई धारणा शक्ति रूपी आत्माएं हैं जिन्होंने दिव्य गुणों की धारणा में सबसे जास्ती सहयोग दिया है।